किसानों को समर्थन देते हुए गुरुवार को नागपुर शहर के कई जगहों पर आंदोलन किया गया। इस दौरान सभी आंदोलनकर्ताओं द्वारा सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी की गई। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच देश के कई हिस्सों से किसानों को समर्थन मिल रहा है और ऐसा ही कुछ समर्थन नागपुर शहर से भी किसानों को मिलता नजर आ रहा है, जिसके चलते गुरुवार को शहर में किसानों को समर्थन देते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा RBI स्क्वायर पर आंदोलन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे और उन्होंने नारे लगाकर केंद्र सरकार का विरोध किया। आम आदमी पार्टी की संयोजक कविता सिंगल ने सरकार का विरोध करते हुए अपनी बात NBCN की टीम से साझा की। देखिए क्या है, ये सिर्फ हमारे द्वारा नहीं बोला जा रहा है, मोदी सरकार की जब से सरकार आई है 6 साल के शासन काल में कोई भी जना खुश नहीं है, उद्योगपतियों के अलावा जो ऊपर के बाकी जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उन सब की भी हालत ख़राब है, हर जने की हालत ख़राब है। फाइनली इन्होंने ये बिल लाके किसानों के हमारे देश के किसानों की जो जड़ है इस देश की उनकी भी हालत ख़राब कर दी है। यहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है इंडिया की, हिंदुस्तान की, वो ऐसी नहीं है कि यहाँ पर कंपनियाँ राज करें। अब ये कंडीशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की हो सकती है, यूरोप की हो सकती है, USA में उन जगह हो सकती है, लेकिन हमारे देश में जो हमने बचपन से हमेशा पढ़ा है और आज भी बच्चे पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, कृषि प्रधान देश है। तो हमारे टाइम में बोलते थे 75% किसान प्रधान देश, किसान लोग यहाँ रहते हैं। अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। अब ये बिल ला के ये बिल्कुल किसानों को नष्ट कर देना चाहते हैं, खराब कर ख़त्म कर देना चाहते हैं। और बड़े बड़े उद्योगपति अभी यहाँ के जो किसान हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर जो किसान हैं उनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, मतलब छोटे किसान हैं हमारे देश में जितने भी हैं। ये बिल लाने के बाद ये सब ख़त्म हो जाएंगे, जैसे भुखमरी की, और हमें पता ही है कि सब डेवलपमेंट सारा नीचे चला गया। ये बिल ला के ये लोग किसानों को भी बर्बाद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। देखिए ये आंदोलन करके ये मांग हमारी नहीं है, ये भारत के अन्नदाता की मांग है, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा हमारे अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। ये चाहे ये आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो जो किसान जो गवर्नमेंट अगेंस्ट में बोलेगी, डेवलपमेंट के अगेंस्ट बोलेगी, किसी के अगेंस्ट बोलेगी, आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी है। इस आंदोलन में भी बराबर किसानों के साथ हम लोग खड़े हुए। महाराष्ट्र का किसान अभी तक नहीं थे, अभी आ गए हैं। आज 3 बजे से महाराष्ट्र के किसानों का भी ये यहाँ यहीं पे इस जगह नागपुर के किसानों का आंदोलन है और धीरे धीरे ये पूरा देश, महाराष्ट्र और पूरा देश, सभी के किसान इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि उनके विरोध में भी ये बिल है। और धीरे धीरे करके देखिए जो भी आग ले पकड़ती है वो धीरे धीरे पकड़ती है। अभी वहाँ पे पंजाब, हरियाणा, UP वहाँ के किसान आए हैं, अब धीरे धीरे पूरे देश के किसान आएंगे और बाध्य करेंगे सरकार को कि ये बिल में जो MSP या जो भी मांगे हैं किसानों की। किसानों का हम लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। जितने भी बड़े से बड़े आंदोलन करने पड़े और हमें आमरण अनशन भी करना पड़े, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मध्ये किसानाचं आंदोलन चालू आहे, त्या किसानाचं आंदोलन बंद करण्यासाठी मोदी सरकारने परमिशन सुद्धा दिलेली नाही आहे। आज MP मधला किसान, त्यानंतर उत्तर प्रदेश मधला किसान, राजस्थान मधला किसान तिथे जाऊन आंदोलन करत आहे, त्यांच्यासाठी गद्दे खोडून ठेवलेले आहे। हाच तो किसान आहे ज्यांनी देश स्वतंत्र झाल्यानंतर कंटिन्यू 30 वर्ष जेव्हा आपल्या देशामध्ये भारी तुटवडा होता अन्नधान्याचा, तो तुटवडा पूर्ण करून हरित क्रांती करून दाखवली आणि आपल्या देशाला 70% कृषीप्रधान देशाला एक साम्राज्य चांगलं बलशाली देश बनवला। आणि याच किसानावर आता हा अत्याचार करत आहे, जो किसान 8 महिने जो किसान आपला भारतातला जो आहे, जो 8 महिने आपलं पीक काढतो, त्याच्यानंतर तो विकायला जातो, तर त्याला समर्थन मूल्य जे आहे MSP तो मिळत नाही आणि त्या बेभाव त्याला विकावा लागतो आणि तो कर्जबाजारी होतो आणि आत्महत्या करतो। जर असा अन्याय जर BJP सरकार करत असेल तर ह्या कानूनचा आम्ही विरोध करतो आणि हा इथून नाही, नागपुरातून नाही तर संसदपर्यंत आम्ही यांचा विरोध करू। धन्यवाद। साथ ही किसानों के समर्थन में संविधान चौक पर कई संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आंदोलन किया गया। इस दौरान सभी संगठनों ने सरकार के विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त किया और किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई।